धनबाद रावलपिंडी में एक ऐसा नाम है डीएचए और बैरिया के बाद जो फाइल नहीं भेजती, जो प्लाट भेजती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं उस्मान तारिक पाक वतन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से। मुझे नाजरीन, हम आपके लिए लाएँ एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जहां आपको फाइल नहीं मिलेगी बल्कि आपको प्लॉट मिलेगा। जी हां, पाकिस्तान में बेशुमार हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो फाइल्स बेच रही हैं और उन लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, धोखा हो रहा है। सिर्फ सोशल मीडिया पर अच्छी तस्वीर की बिना पर आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट ना करें, बल्कि आप ये देखें कि उस प्रोजेक्ट ने माजी में क्या डिलीवर किया है। डीएचए और बैरिया टाउन के बाद एक बड़ा नाम चौधरी अब्दुल मजीद साहब का, जो कि 8 सक्सेसफुली प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। लाखों में रेजिडेंशियल प्लॉट बेचे जो आज करोड़ों में है, लाखों में ही कमर्शियल प्लॉट बेचे और आज वो करोड़ों और अरबों में है। मैं आपके लिए लाया हूं कि ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब, ठलिया इंटरचेंज मोटरवे के करीब, चौधरी अब्दुल मजीद साहब का एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, एक नया नाम आ रहा है। बहुत जल्द 12 अक्टूबर को बकायदा तौर पर इसकी बुकिंग का आगाज़ हो जाएगा। बड़ा अच्छा टाइम है, आप इन्वेस्टमेंट करें। ये उतनी ही फाइलें बेचते हैं जितनी इनके पास ज़मीन है। तो जितने भी ओवरसीज़ क्लाइंट्स देख रहे हैं खबरनामा टीवी के ज़रिए से या कोई भी, जहां तक ये पैगाम जाता है, तो मैं आपको इस पर ये कहूंगा कि आप बकायदा तौर पर इस पर इस्तखारा भी करें और इसकी ग्राउंड वर्किंग जो हम आपसे शेयर करेंगे पाक वतन मार्केटिंग चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं कि इसकी हर पल हर अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसकी लैंड पहले खरीदते हैं, उसके बाद ये फाइल्स बेचते हैं और पहले दिन ही सोसाइटी जब इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करेगी तब बेशुमार चीज़ों का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। तो ये वो चीज़ है जो आपको बताना बहुत ज़रूरी था कि आप लोग अपनी जमा पूंजी इस टाइम मौजूदा जो सूरत हाल है इसमें आप अपना जो बजट है वो आपके हर गरीब के जो बजट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी के पास अगर 3 लाख 4 लाख है तो इस टाइम मौजूदा हालात में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। 4.5 साल के टाइम पर ये प्रोजेक्ट आ रहा है। चौधरी अब्दुल मजीद कौन है? चौधरी अब्दुल मजीद 8 इस्लामाबाद रावलपिंडी में कामयाबी से प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। अब एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है इस्लामाबाद रावलपिंडी और पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी क्लाइंट मौजूद हैं, आप बेशुमार हाउसिंग सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट की होगी, लेकिन दर हकीकत ये वो चौधरी अब्दुल मजीद है जो जितनी ज़मीन होती है उतने ही प्लाट बेचते हैं मार्केट में। इसका मतलब ये है कि आपके पास बड़ा सुनहरी चांस है कि ठलिया इंटरचेंज मोटरवे, न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ठलिया इंटरचेंज और चक्री इंटरचेंज के दरमियान में आ रहा है चौधरी अब्दुल मजीद साहब का नया प्रोजेक्ट। अभी अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाएं, बाद में न कहिएगा कि खबर ना हुई। आज जो आप लाखों में इंस्टॉलमेंट पर आप प्लॉट हासिल करेंगे, कल वो करोड़ों में होंगी। इसकी मिसाल चौधरी अब्दुल मजीद के माजी के प्रोजेक्ट्स में है। आपको पूरा हक है, आप चौधरी अब्दुल मजीद साहब के प्रोजेक्ट्स पर सर्च करें और आपको बेहतरीन इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में करने को मिलेगी। खबरनामा टीवी के इस वीडियो के पैगाम के ज़रिए से तमाम ओवरसीज़ क्लाइंट और पाकिस्तान में जहाँ जहाँ इस वीडियो को देखा जा रहा है, मैं ये कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। देखें, आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन दर हकीकत आपको उसकी लोकेशन का पता होना चाहिए, उसकी लैंड का होना प्रोजेक्ट का ज़रूरी है, फिर वो माजी में क्या डिलीवर कर चुके हैं। तो ये वो प्रोजेक्ट है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें और लोगों से वो प्रोजेक्ट शेयर करें जिनसे फ़ायदा हो उन लोगों को। और आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत जल्द चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो कि इस प्रोजेक्ट के मालिक हैं, हम कोशिश करेंगे उन्हीं की ज़बानी हम इसी चैनल पर आपसे उस प्रोजेक्ट के बारे में सवालात किए जाएं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।